उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की खूबसूरती पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मानी जाती है, और सबसे सुंदर होते हैं यहाँ के गाँव। गाँवों की उत्तराखंड में बात ही कुछ निराली होती है, और उससे गाँव से ज़्यादा सुंदर होते हैं यहाँ के लोग। केदार घाटी के इन खूबसूरत पर्यटन गाँवों की सीरीज में आज आप हमारे साथ देखिए पर्यटन गाँव, पर्यटन एवं पुरातन मंदिरों का गाँव नाला, जहाँ एक समय राजा नल और दमयंती का साम्राज्य हुआ करता था। मैं गजपाल सिंह भंडारी, ग्राम नाला का रहने वाला हूँ। जरा गांव के बारे में और ये मंदिर के बारे में बताएं जरा। हाँ, तो हमारा ग्राम नाला जो है शुरू से ही एक आदर्श ग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पुरखे रहे हैं, वो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। अच्छा जी हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं आज़ाद हिंद फौज से भी थे, इसमें शेर सिंह शाह। अच्छा हाँ, अभी हैं क्या कुछ लोग? नहीं, उस सब जा लोग चले गए। जी चले गए। अच्छा, ये थोड़ा त्रिपुर सुंदरी बाला माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता माई के बारे में थोड़ा बताइए, बहुत पौराणिक मंदिर है। हाँ, ये पांडव काल का मंदिर है। यहाँ पे माँ त्रिपुरा सुंदरी की स्थापना हो रखी है, और यहाँ पे नल राजा का भी यहाँ पे गद्दी स्थल है, और दयमंती जो है हमारे ग्राम सभा झूण में है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? हाँ, टूरिस्ट बहुत आते हैं। अच्छा जी, यात्रा के समय आते हैं या उसके बाद भी? नहीं, जैसे यहाँ आजकल नहीं आते। आजकल ये है कि जैसे त्रिजुगी नारायण हो गए, उनके दर्शन जो खुले हैं कपाट, हाँ, तो तब भी आते हैं। ये जो पत्थर हैं ये आजकल कहीं नहीं मिलते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। और ये बहुत पौराणिक हैं। लगभग 8वीं 9वीं सदी के जो मंदिर हैं वो यहाँ पे हैं, और कुछ मंदिर जो नीचे डूब, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली हैं, कभी बाढ़ आई है, कभी बहुत बड़ा भूकंप आया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो खुदाई हुई है, पुरातत्व वालों ने बहुत थोड़ा बहुत खुदाई की है, उसमें कुछ छोटे छोटे मंदिर भी निकले हैं। ये देखिए आप, ये मंदिर है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे मंदिर हैं। अभी भी गांव में खुदाई होती है तो कई बार मंदिर निकल जाते हैं। अभी पास में हम एक गांव में गए थे ह्यूण में, तो वो मकान की खुदाई कर रहे थे और वहां मंदिर निकल गया था, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसमें बहुत दिव्य और भव्य मूर्तियां देखने को मिली। ये ऐसे मंदिर यहाँ पे निकले हुए, ये देखिए आप, खुदाई में निकला है। ये खुदाई में निकले, ये यज्ञ कुंड जैसा दिख रहा है, ये कुंड है और खुदाई में निकले, ये मूर्तियां भी खुदाई में निकली। बिल्कुल, ये बहुत दिव्य मूर्तियां हैं, जो यहाँ खुदाई जब हुई थी तो खुदाई में मिली हुई मूर्तियां हैं। ये देखिए आप, ये सारी मूर्तियां जब यहाँ खुदाई हुई तो उस समय की मिली हुई हैं ये मूर्तियां। ये देखिए आप सारी, ये बहुत पौराणिक मूर्तियां हैं, ये पत्थरों पे कोई ऐसे इस टाइप की। कुछ तो खंडित भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बढ़िया अवस्था में है अभी भी। भाई साहब, आपका नाम? धीरेन्द्र भंडारी, ग्राम नाला। इस गांव में कितने लोग होंगे, मतलब कितने परिवार होंगे इसमें? कम से कम 300 से ऊपर हैं, 300 से 300। अच्छा, थोड़ा और बताइए गांव के बारे में, क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अभी आप आए हैं ललितामाई मंदिर में। यहाँ पे भाई साहब हमने एक मंदिर देखा पास के गांव में, मस्ता में जी। वहाँ न जाने के लिए रोड है, और मंदिर बिल्कुल मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके पेड़ जम गए हैं जी, जी अंदर घास जम गए हैं, तो वहाँ कुछ कर क्यों नहीं पा रहे गांव वाले? करें, वो आश्रम वहाँ जाने का रास्ता तो है सर, लेकिन कोई जाता नहीं मंदिर में, इसलिए वो ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ। तो पूजा वगैरह कुछ नहीं करते? पूजा नहीं होती वहाँ। वो तो बहुत पौराणिक मंदिर है, 8वीं 9वीं सदी का मंदिर है वो तो। जी सर, थोड़ा सा पहल कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, ठीक है। गाँव के क्योंकि पर्यटक आएंगे, रोड के बिल्कुल नज़दीक पे वो गाँव जी जी। गाँव गुप्तकाशी से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये गांव है, और यहाँ पे है माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, ललिता माई माँ त्रिपुर सुंदरी। ये जब यहाँ पे राजा नल हुआ करते थे, राजा नल का क्षेत्र इसको माना जाता, नल और दमयंती, बहुत एक ऐतिहासिक भारत के इतिहास में बहुत बड़ी प्रेम कहानी इनकी रही है। फिलहाल राजा नल का ये क्षेत्र रहा है, और यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये गाँव है। पौराणिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ से बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं इस पूरे क्षेत्र में। बहुत गांव वाले बताते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर थे,
पांडवों के द्वारा ये मंदिर निर्मित किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड की जब परिस्थितियाँ बदली हैं, कभी भूकंप आया है, कभी बाढ़ आई है, तो ये मंदिर नीचे दब गए थे। अभी भी गांव में, हम ह्यूण गांव में गए थे, वहां पे कोई मकान बना रहा था और मकान बनाते बनाते वहां पे एक मंदिर निकल गया था। लक्ष्मी नारायण जी की भव्य और दिव्य मूर्तियां उस मंदिर में मिली थी। ऐसे मंदिर यहां इस गांव में भी हैं, लेकिन अभी भी ये गांव पर्यटक की नज़रों से बहुत दूर हैं। यहां पे पर्यटक तो आते हैं लेकिन ना के बराबर आते हैं, जबकि ये बहुत पौराणिक मंदिर ये हैं, बहुत पुराने 8वीं या 9वीं सदी के ये मंदिर टोटल यहाँ पे हैं। ये देखिए आप चारों तरफ से, ये पुराने मंदिर नागर शैली में ये मंदिर बने हुए हैं और बहुत पुराने मंदिर हैं, और गांव भी बहुत सुंदर है। यहां से सीधे केदारनाथ का व्यू नज़र आता है। लगभग गांव में अभी प्रधान जी ने बताया कि 250-300 परिवार रहते हैं, और ये बहुत पुराना मंदिर है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर आएं, बहुत पौराणिक मंदिर ये है। आपका नाम? विजेंद्र सिंह है मेरा नाम। गाँव का नाम? नाला है। नाला है जी। तो जरा गाँव के बारे में बताइए आप, क्या है यहाँ गाँव? ये गाँव का नाम नाला इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे नल देवता का गद्दी स्थल है यहाँ पे। अच्छा। और इनके अंदर मंदिर के अंदर यहाँ पे मतलब समाधि स्थल भी है यहाँ पे, इसलिए इस गांव का नाम नाला पड़ा। नाला पड़ा जी, राजा नल के नाम जी। राजा नल के नाम। राजा नल का साम्राज्य था क्या पुराने समय में जी? यहाँ पे राजा नल का मंदिर है ऊपर नलेश्वर महादेव में। अच्छा। गर्तरा और नाला के बीच में वो मंदिर है। अच्छा। ये मंदिर में ये पेड़ है, ये बिलपत्र का पेड़ है, और मंदिर के ठीक बगल पे ये है रुद्राक्ष का पेड़। ये रुद्राक्ष के कुछ ये लगे हुए हैं इस पे, ये छोटे छोटे बीज टाइप के हैं, ये बड़े होंगे तो बड़े रुद्राक्ष बनेंगे। ये बहुत पुरानी कोई लिपि है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, 8वीं 9वीं सदी की ये लिपि लगती है। ये देखिए आप, ये कुछ पत्थर के ऊपर उकेरी गई है। ये कुंड के बारे में क्या बोले आप? ये है सर्प कुंड यज्ञ। अच्छा, ठीक है जी। हाँ हाँ। तो इसको जो है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे जो है कच्ची लकड़ियाँ, अच्छा हाँ जी, उसको जला करके। हाँ। वो ऐसा हमारे जो पहले की पौराणिक कथा है। हाँ। कि जब नागों का देव इनका जो है कि काफी आतंक हो गया था। हाँ। ठीक है, क्षेत्र में तो जो है कि उस समय यहाँ पे सर्प यज्ञ हुए थे। अच्छा, ठीक है जी। तो सांपों की जो है आहुति दी गई थी यहाँ पे इस कुंड में। राजा नल के नाम से नाला गांव का नाम शायद में नाला पड़ा है, गांव वाले भी ऐसे बता रहे हैं कि राजा नल का यहाँ पे साम्राज्य था और राजा नल के नाम से ही नाला गांव पड़ा, और उन्हीं के नाम से यहाँ पे नलेश्वर महादेव है। तो हम लोग जा रहे हैं इस समय नाला गांव से गड़तरा में, लोग जो लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गांव में देखिए बहुत खूबसूरत खेती हो रखी है और यहाँ से पलायन बिल्कुल जीरो है। नलेश्वर मंदिर क्या दूर बोलियो अभी ये मजबूत हो? अच्छा, तो गए कैमरा करना पा लिया नहीं हो? अच्छा, ये बोन भी लियो ना? हां, बोन भी थन ली मम्मी। के नो छो तुम्हारो? मैं नो भारी देवी। अच्छा, भारी देवी। ये का कहचिन? हां, ये का कहचिन नाला? नाला का। अच्छा, ठीक। चल, मैं तो मैं का छन छुटिन। हे हे, तो तुम पानी तो सच सो को लोली लोले आ लवड़। हे हे। का नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह नेगी। गांव का नाम? नाला। नाला। ये पॉली हाउस कैसे, क्या कर रहे हैं आप इसमें? इसका सर ये है, इसमें जो है अनेक प्रकार की सब्जियों का बेमौसमी सब्जी। अच्छा। उसका उत्पादन किया जाता है। अच्छा। अब जैसे बाजार में देख रहे हैं आप जो है कितनी महंगी सब्जी मिल रही है। बिल्कुल। है कि नहीं? तो उससे बड़ा ये है, अगर ये बेचने के लिए नहीं, पहले तो बेचने के लिए भी होगा, नहीं तो अपने खाने के लिए तो जरूर तैयार होगी ये सब्जी। अच्छा। अनेक प्रकार की सब्जी, बेमौसमी सब्जी, मौसमी सब्जी सारी इसमें तैयार हो जाती है जी। ये उद्यान विभाग से मिलता जी? हाँ, ये उद्यान विभाग। उद्यान विभाग ट्रेनिंग भी देता आपको कि कैसे? ट्रेनिंग तो नहीं देता सर। अच्छा, ये लगा के देते हैं तो इसमें सब्सिडी वगैरह भी देते हैं? सब्सिडी देते हैं सर, इस पे लिखा था ये। अच्छा, ये है। ठीक। 950 इसकी लागत है और ये जो देय राज सहायता है ये 48,760 रुपये है और कृषक अंश जाता है इसमें 12,190 रुपया। अच्छा जी, तो अंदर देखें थोड़ा क्या क्या देख सकते हैं सर। अभी तो ये आजकल हम चुनाव में रह दिया तो ये सारा माहौल यहाँ जरा खराब हो गया। अच्छा, ये प्रचार में ना। हाँ। तो इसलिए जो है और टमाटर वगैरह भी लगा रखे हैं। और क्या क्या होता है इसमें? सब चीज होता है सर।
अच्छा हाँ। बेल वाली सब्जियां भी होती है? बेल वाली सब्जी भी होती है। पहले तो मैंने यहाँ वो जो लौकी होती थी ना, लौकी तोरी, लौकी तोरी इधर वो छोटी वाली घिया, ये तो भयंकर मात्रा में हुई यहाँ। अच्छा जी हाँ, बेची भी होगी आप? बेची भी है मैंने। अच्छा हाँ, करीब 2-3 हजार की बेची, ज्यादा तो नहीं बेची क्योंकि अब सब्जी अगर दुकान से लानी थी तो अपने आप क्या खाना, अपने लिए भी व्यवस्था करनी थी। आप पूर्ण मोहन सिंह बल्ला, पहले 1 रुपया मिलता था तो माना बात समझो कि ये लखपति हो गए। अच्छा। आज बचे लाखों भी मिल, 900 भी कुछ नहीं, पता नहीं कुछ क्या चीज था। हाँ, पहले जो है हमारे सब खेतों से पैदा होता था, आज जो था दुकानों पर निर्भर छन जाता, बिल्कुल कभी त्योल ले लो जो कभी त्योल भी आप उड़ाएगा जो। हाँ सब राडो गोर बन जो मेरे दादा बताते थे कि खाली हम गुड़ गुड़ हो गया, नमक हो गया, और वो भी कोटद्वार जाते थे लेने कोटद्वार बकरियां जाती थी। हाँ, बेड़ बकरियों में डाल के नमक और मीठा लेके आते थे, यहाँ से अनाज उनाज ले जाते थे नीचे, ढाकर बोलते थे। हाँ, ढाकर जान था बोल रहे थे, ढाकर जान। आप यही कहो कचिन? अच्छा, नाला गांव वालों ने खेती करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। मटर बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ पे, प्याज है, लहसुन है, और ऐसे करके ये देखिए आप, ये पॉली हाउस हैं सबके। तो पॉली हाउस में क्या होता है कि बेमौसमी जो सब्जियाँ होती हैं इसमें मॉइस्चर जनरेट हो जाता है और गर्मी जनरेट हो जाती है, तो इसमें जो बेमौसमी सब्जियाँ हैं वो आप लगा सकते हैं। जी बहन जी, आप नो। हाँ, मेरा नाम श्रीमती जसोदा नेगी, मैं ग्राम नाला की निवासी हूँ, और जो है मैं सब्जी उत्पादन करती हूँ और बहुत बहुत सब्जी बेचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सब्जी बेचती हूँ। साल में कितनी कितने की सब्जी बेच देते हैं आप? बेचती हूँ, आलू लगाती हूँ 10 कुंटल आलू, ऐसे मटर बेचती हूँ, टमाटर 2 कुंटल, अगले साल 2 कुंटल टमाटर बेचे मैंने यहाँ पोले हाउस के पेट से। अच्छा। अभी वो मटर लगा रखे हैं, आलू बो रखे हैं, बहुत बहुत वो करती हूँ मैं, प्याज 2-4 कुंटल जैसे, कभी लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा बेचती हूँ, अपने लिए भी होता है बेचने के लिए भी। हाँ, बहुत ज़्यादा बेचती हूँ। अच्छा। मेहनत करती हूँ। हाँ। और कोई लड़के मेरे बेरोजगार हैं। हाँ। आदमी भी बेरोजगार है, यही धंधा कमाई का जरिया यही है मेरा कमाई का धंधा, बस बहुत अच्छा काम। हाँ, खेती करती हूँ, ऐसे ही खेती भी है, ये साग सब्जी में बहुत ज़्यादा अपना बेचती भी हूँ, घर का सारा खर्चा निकालती हूँ बस। अच्छा। ईश्वर मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मंदिर काफी पुराना है और कुछ मंदिर का बहुत ज्यादातर पार्ट्स खंडित हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली हैं उसमें कुछ मंदिर नीचे टूट गए हैं, कुछ दब गए हैं। उन्हीं में से एक बहुत पौराणिक मंदिर है, जब राजा नल यहाँ पे थे तो उनका मंदिर है यहाँ पे नलेश्वर के नाम से। राजा नल को शिवभक्त भी माना जाता है, गांव वाले बताते हैं कि परम शिवभक्त वो थे और यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनाया था जहाँ वो शिव जी की पूजा करते थे। आज वो मंदिर का नाम नलेश्वर महादेव है। मंदिर ज़्यादातर पूरा लगभग टूटने के उस पर है, क्योंकि पौराणिक जो मंदिर है ये देखिए आप, ये बहुत पुराने मंदिर है, ये जो शैली बताती है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, आज की शैली के मंदिर नहीं है। गांव वाले अब स्पेशल यहाँ पे पूजा करने आते हैं सुबह और शाम। बहुत पुराना और पौराणिक मंदिर ये है, ये देखिए आप, बहुत पौराणिक और पाषाण मूर्तियां, जो गांव वाले बता रहे हैं कि ये 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी के करीब ये मंदिर था और महाराजा नल ने ये मंदिर यहाँ स्थापित किया था। लेकिन अब क्या है ना, सरकार इस पे ध्यान दे रही है और गांव वालों से सिर्फ जो पूजाएं वगैरह हो रही हैं, गांव वाले भी अपना फर्ज निभा ही रहे हैं। क्या नाम है? कनिस। कनिस, हेलो। दार घाटी के इन खूबसूरत पर्यटन गांवों की खोज में हमारा नाला गांव का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए,
और इसको शेयर कीजिए ताकि इस गांव की जो पर्यटन गांवों की एक खोज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित किया जा सके।